नमस्ते, हम है विवेकानंद जाधव, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज, सत्य का प्रतीक द बीएनवाई न्यूज। आज मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं कि जो अनुमान नहीं लगाया जा सकता था और बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल 24 घंटा में आने जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि छठ के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना तय है, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि मैंने जो अपने स्तर से सर्वे किया और जो जानकारी हासिल करी और मेरे संवाददाता ने जो जानकारी हासिल करके मेरे ऑफिस में सबमिट किया, उसके आधार पर मैं स्पष्ट रूप से यह बता सकता हूं कि जो परिस्थिति 19 लोकसभा की थी वह परिस्थिति अब कल के विधानसभा उपचुनाव की नहीं रहेगी। राजद का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ा, लोगों ने विश्वास जताया। लोग कहते हैं कि 15 साल की सरकार अब मोटी चमड़ी की सरकार हो गई है, मौका लोगों को मिलना चाहिए। दबे जुबान लोग यह कहते हैं कि अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और किसी भी स्थिति में बिहार सरकार खड़ा नहीं उतर पा रही है, बिहार सरकार से अब लोगों का मोह भंग हो रहा है। इसके पीछे जबरदस्त कारण है वृद्धि होना अपराध का और बेरोजगारी अहम मुद्दा है। युवाओं में इस बात का आक्रोश और खीज है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवाओं के लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही और प्रत्येक दिन हत्याओं का बाजार गर्म है। चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, उसकी हत्या निर्मम हत्या कर दी जाती है। 10 से 12 हत्या बिहार के अंदर में प्रत्येक दिन हो रही है। बाढ़ की जो समस्या हुई और बाढ़ में जो किसानों को क्षति हुई, इस बात को भी लोग जोड़ रहे हैं। कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा के लोग कुछ कहते हैं, जदयू के लोग कुछ कहते हैं, दोनों के कथनी और करनी में अंतर है। दोनों एक दूसरे पर छींटा कसी करते हैं। इन तरह तरह की बातों को भी लोग अब जोड़ना प्रारंभ कर चुके हैं, लोग समझना प्रारंभ कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको संक्षेप में स्पष्ट तौर पर यह बता दूं कि कल के मतदान में बहुत बड़ा बदलाव होने की आशंका है। सूत्र के हवाले से जो हमें समाचार प्राप्त हुआ है उससे यह स्पष्ट दिखता है, हो न हो राजद एनडीए को जबरदस्त पछाड़ न लगा दे। जनता राजद के प्रति काफी झुकाव में है और राजद के उम्मीदवार को भरपूर मत कल के मतदान में कहीं मिल न जाए। यह बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। जिस प्रकार तेजस्वी यादव के रैली में जबरदस्त भीड़ होना और लोकसभा चुनाव से लेके अब तक के बीच के अंदर के लोगों के अंदर यह बात आई कि सरकार बनने की बन गई, लेकिन जनता के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया, जो घोषणाएं हुई उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ। इन सारी बातों को जोड़ने के बाद लोगों में जबरदस्त परिवर्तन की आसार नजर आ रही है। कल के मतदान में कुछ भी संभव है, जो मैं मतदान के पहले स्पष्ट नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव का संकेत मुझे मेरे सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है। एक लोकसभा क्षेत्र और 5 विधानसभा क्षेत्र, यह फाइनल नहीं सेमी फाइनल है और इस सेमी फाइनल में जो जीतेगा वही फाइनल में जीतेगा, ऐसा जनता का विचार है। जनता कुछ अलग मूड बनाई है। जो कल मतदान होगा और मतदान में यह तय हो जाएगा कि जनता अब किस करवट बैठी। कहीं न कहीं जनता के अंदर में बिहार सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश फूट पड़ा है।
जनता काफी आक्रोश में बिहार सरकार के खिलाफ है। इसी आक्रोश पूर्ण भाव से कल मतदाता अपना मत देंगे और इस मत देने के बाद 24 तारीख को जब रिजल्ट आवेगा तो बिहार का दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखना यह है कि रात भर में कुछ ऐसा न हो जाए कि जनता का मन और मिजाज और ज्यादा बदल जाए और आ जाए और अपार बहुमत से उम्मीदवार को जिता दे और बिहार सरकार को चारों खाना चित कर दे। तो दोस्तों अब कल मतदान है और 24 को गिनती है, स्पष्ट हो जाएगा जो मेरे को सूत्रों के हवाले से पता चला मैंने आप तक पहुंचाया। तो दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो लाल बटन और घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लें जो फ्री है, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।